आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि शंकर ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरीके की फिल्म शंकर जैसे डायरेक्टर के बगैर कर पाती, क्योंकि हम जब एक्टर एज एक्टर्स हम इतना सेंसिटिवली अपने डार्क एरियाज़ के साथ लिव करते हैं, क्योंकि ये नोवा फिल्म है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैव टू बी, आपको क्या है ना एज एन एक्टर आपको अपने आप को इमोशनली पर्दे पर बेयर करना है, स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक फॉर अ कैरेक्टर लाइक प्रीत जो कुछ कह नहीं रही है बट आपको फिर भी उसको देख के समझ जाना चाहिए कि ये क्या महसूस कर रही है, तो आपको वो किरदार जीना पड़ता है। और कितनी बार हमने ऐसे सीन्स किए जिस जो करने के बाद मैं कांपने लगी थी, मेरी यू नो आई विजिटेड सच एरियाज इन माय ओन इमोशन, आई टैप्ड माय इमोशनल एरियाज, कि हर शॉट के बाद वो सिर्फ मेरे बाजू में आकर उन्होंने सिर्फ बैठकर इतना ही कहा, यू नो दैट वी आर फाइन, यू आर गुड, दैट्स इट। और जितना इस फिल्म में वायलेंस है, जितना इस फिल्म में यू नो हो रहा है, जो भी हो रहा है, उतना ही शांत और मेडिटेटिव हमारा सेट था। मतलब इतनी शांति थी हमारे सेट पे, और जितनी काम की बात ज़रूरी थी वही हो रही थी, और इतनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन थी, मतलब अगर एक सुई भी गिर जाती ना हमारे सेट पे आवाज़ आती, बिकॉज पंकज जी जैसे कैरेक्टर एक्टर हैं, देन शालिनी हैं, आमिर बशीर हैं, और कितने बेहतरीन ये सब, कितने कमाल के, मैं अपने आप को नहीं गिनती हूँ, इनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा है, मैं इनसे सीखती हूँ। तो इट्स बिन अ ग्रेट राइड एंड आई कैन ओनली लुक बैक एट दिस फिल्म विद एक्सट्रीम प्राइड, एक्सट्रीम प्राइड। मतलब मैं कभी सोचूंगी अपने जीवन में आगे जाके कि हाँ मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा थी, मुझे जो जो मिला सर आँखों पर मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत से निभाया, और हमेशा उसके रिजल्ट अच्छे ही आए। तो आई वॉज जस्ट एवरी टाइम कोई भी मेरा काम बाहर आया, और जब ऑडियंस का रिएक्शन और सबका इंडस्ट्री का रिएक्शन मुझे इतना पॉजिटिव मिला, तो मुझे बस लगा हाँ कि कुछ सही किया होगा। बट उसको मैंने कभी अपने ऐसे दिमाग ख़राब करने नहीं दिया, क्योंकि मैं रियलिटी से बहुत ज़्यादा टच में हूँ। सबसे पहले जब टेलीविज़न पे बोला कि अब मैंने सोचा कि अब एक दो साल तक टेलीविज़न तो कोई रोल नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मैं ना हेल्थ पे टोल ले लिया मेरे, बिकॉज मैंने 6 साल काम किया टीवी में और 22-22 घंटे रोज़ काम किया, तो मैंने सोचा कि अब एटलीस्ट कुछ देर तक अपनी हेल्थ सही करूँगी, बिकॉज हेल्थ इज़ प्रायोरिटी फॉर मी। फिर मॉम को बोला कि ये फिल्म है, तो सब ने बोला कि तू क्या कर रही है, सबने बोला ये क्या हो रहा है, ये लड़की को क्या हो गया है, इसने टेलीविज़न में इतनी मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंची और अब ये वापस से स्ट्रगल करना शुरू हो गई फिल्मों के लिए। तो मैंने बोला बट ठीक है ना, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, सो आई बोले अभी करने दो। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके यू नो मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं अपने परिवार को कन्विंस कर पाऊँगी कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं शायद अपनी ऑडियंस को भी कन्विंस कर पाऊँ, क्योंकि मेरा परिवार मेरी पहली ऑडियंस है, वो हर चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। जैसे एज एन एक्टर माय स्क्रिप्ट की मैं पहली ऑडियंस हूँ, मेरे काम की मैं पहली ऑडियंस हूँ, मेरी ऑडियंस तक पहुँचने के पहले वो काम मैं देखती हूँ। तो ऐसे आपकी हर लेवल पे आपके स्ट्रगल्स हैं, हर लेवल पे आपकी एक चैलेंज है। तो फिर मैंने जब बच्चन साहब ने ट्वीट किया ना, जब मैंने लिंक चेक किया और मैंने देखा हमारा जो ट्रेलर है पूरा, मैंने पूरा ट्रेलर बैठ के देखा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। सो इट वॉज यू नो मेरे डायरेक्टर मुझे हमेशा कहते हैं दैट सक्सेस इज़ अ वेरी प्राइवेट मोमेंट, and he's told me this long ago, and he's told me every time you'll feel successful it will only be in private, and also you know it's unbelievable what is happening with this film and how much love puri industry se de rahi hai, you feel only aapko sirf apni blessings count karne ka man karta hai ki aap kitna blessed feel karna chahiye। I am very happy।